नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। पानी कुदरत की वो अनमोल देन जिसके बिना मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर हो ही अनमोल चीज। इंसान को ना मिले तो इंसान कितना उग्र हो सकता है और क्या क्या कर सकता है, इसका नज़ारा एक बारी को देखने को मिला मेरठ में। जी हाँ, मेरठ में पानी के लिए तरसती महिलाओं ने नगर निगम में चालक को बंधक बनाकर काफ़ी देर तक किया हंगामा। पिछले 15 दिन पानी के लिए तरस रही वार्ड नंबर 11 की जनता के सब्र का बांध आखिरकार बृहस्पतिवार को टूट गया। सैकड़ों महिलाओं ने क्षेत्र के समर सिविल की रिवॉल्विंग करने के लिए नगर निगम में जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने जेसीबी के चालक को बंधक बनाया तो कार्यालय में हड़कंप मच गया। अपर नगर आयुक्त ने शाम तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। दरअसल वार्ड नंबर 11 शिवपुरम का सरकारी समर सिविल पिछले 15 दिन से खराब है। क्षेत्र के निवासियों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद निगम के अधिकारियों ने अब तक समर सिविल की मरम्मत करवाने की सुध नहीं ली, जिसके चलते क्षेत्र की जनता पानी की एक एक बूंद को तरस गई। आज क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं दोपहर को समाज सेविका ब्रजेश कौशिक के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने नगर युक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने समर सिविल की रिबोरिंग कराए जाने की मांग करते हुए अपने दुपट्टों से जेसीबी के चालक के हाथ पांव बांध दिए, जिसके बाद निगम कार्यालय में एकदम से हड़कंप मच गया। अपर नगर आयुक्त अमित कुमार ने पदाधिकारी महिलाओं से वार्ता करते हुए शाम तक समर सिविल की रिबोरिंग कराने का आश्वासन दिया। सर ये क्या मामला है जिसको लेके महिलाओं ने वार्ड 11 शिवपुरम में बहुत से लोग आए, वहाँ पे पानी की समस्या आ रही थी, पानी पीने की लोगों की प्रॉब्लम थी। वहाँ रिबोर करवाने का 10 HP का था, तो रिबोर करवाने के लिए आज अभी सामान जाएगा और रिबोर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या आज से काम स्टार्ट हो जाएगा? हाँ अवश्य, आज अभी सामान जा रहा है, 4 बजे तक वहाँ सामान जाएगा और रिबोर की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी।